दुबई में आज बींगशी ग्रुप ऑफ कंपनी की ऑनर मिस अपर्णा वाजपेयी ने 2021 का कैलेंडर लॉन्च किया, जिसमें 11 ममालिक की मॉडल्स ने हिस्सा लिया। जेनिफर फातिमा ने खसूसी शिरकत की और इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे मिस्टर याकूब अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासर मुगल, 6 न्यूज दुबई यूएई। आज हम आए हैं बींगशी 2021 कैलेंडर लॉन्च जो किया गया है अपर्णा जी, तो आइए इनसे बात करते हैं। हाय अपर्णा जी। हाय, हाउ आर यू? वेलकम। या आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। अपर्णा जी, माशाल्लाह 2020 पे भी आपने एक बहुत अच्छा बुर्ज खलीफा में किया था, 2021 का ये आप कैलेंडर लॉन्च आज हुआ है माशाल्लाह, और ख़वातीन के लिए वैसे ही बहुत कुछ करती हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कैलेंडर देखा है, देखने में नज़र आ रहा है, तो कैसा फील कर रही हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। यस, ये 2019 कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग रही है, लेकिन सपोर्ट भरपूर मिला है और इनिशिएटिव और पैशन साथ में काम किया, और इस वजह से हम लोगों ने जो 2020 मार्च इनिशियली बर्ज खलीफा का जिक्र कर रहे हैं, तब से जो जर्नी स्टार्ट करी वो हमें जो अप्रैल में एग्जीक्यूट करना था वो नवंबर में हुआ। हमारा ग्रैंड फिनाले बींगशी यूनिवर्स 2020 का, इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, और आज ये उसी की सक्सेस पार्टी है और ऑल्सो अपना 2021 का बींगशी कैलेंडर लॉन्च की पार्टी है। It's a theme-based calendar which has a lot of message for women in the society. Each one of them has a very strong vision in life and they really want to promote this and spread out their message in the community. So, usi theme ke basis pe humne Bingshi Universe ka 2021 ka calendar launch kiya hai. Thank you so much aap logon ke support ke liye. Ye bataiye ki inki quantity kitni hai aur kis country se ye model aapne select kiye? तो बींगशी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंटरनेशनली वुमेन के लिए ओपन अप है, इसमें एज ग्रुप्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी स्टार्ट फ्रॉम द 18 इयर्स प्लस, मैरिड अनमैरिड वुमेन किसी भी नेशनैलिटी की वो होती हैं। हमारे पास ओवर 600 एंट्रीज आई थी, जिसमें से हमने चूज़ की स्पेसिफिक एंट्रीज, और अराउंड 11 कंट्रीज़ जो थी वो पार्टिसिपेट की थी, किया था उन्होंने, और नेशनैलिटीज़ ने रिप्रेजेंट किया था। तो ऑलमोस्ट यू कैन सी ऑल द नेशनैलिटीज़ इन द कैलेंडर एंड विद बींगशी। आसान लगा आपको या इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, मुश्किल आई इसमें? मैं कहूँगी कि दुबई बहुत सपोर्टिव रहा, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। जब भी हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हम किस एक्टिवेशन को सामने ला रहे हैं और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उनका हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। मुश्किलें खास कोई नहीं थी, बट हमारा क्योंकि कोई भी इवेंट या एक्टिवेशन बहुत थीम बेस्ड होता है और बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें हर बार केयरफुल रहना पड़ता है कि हम उसको कितना पर्पजफुल बना सकें और कितना कन्वीनियंट बना सकें जो हमारे साथ मॉडल्स होती हैं या लेडीज़ होती हैं या मेंबर्स होती हैं बींगशी की। हम आए हैं 2021 के कैलेंडर लॉन्चिंग बींगशी, यहाँ पर जेनिफर फातिमा एंड जेनिफर प्रोडक्शन की ऑनर, आइए इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा लगा आज यहाँ पर एक चीफ गेस्ट के रूप में आकर। हाय जेनिफर जी, कैसे हैं? I'm fine, thank you. हमेशा जहाँ पर इतने ज़्यादा एक फैशन से रिलेटेड कोई भी काम हुआ, आप एज अ चीफ गेस्ट वहाँ जाती हैं, तो इतनी ऑनर जब आपको मिलती है तब आपको कैसा लगता है? Of course, अच्छा ही लगता है, and I'm quite proud that there are a lot of ladies they are coming up, and ये जो calendar आज launch हुआ है Miss Aparna से, she's launched a calendar based on the ladies जो empowerment के जो होते हैं, she's launched in that. Each lady in this calendar has a special you know quality in them, and it's something new. So it's really great and I'm quite happy and honored to be here, and yes, it's really lovely, and there are a lot of ladies coming out like this, and I would always support them, of course. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.